हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर पेटीज। उसके लिए सामग्री चाहिए: चाट मसाला, नमक, पिसी खटाई, अजवाइन, जीरा, पिसी मिर्चा, धनिया, लहसुन, एक कटोरी मैदा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। थोड़ा सा हमको इसमें तेल भी डालना है, 2 चम्मच के लमसम तेल डाल लीजिएगा। मेरा चम्मच छोटा है, इसलिए हम उसमें 4 चम्मच डाल रहे हैं। अब इसको पानी से सानना है। पहले मिला लेते हैं। आटे में थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी है। अपने डो को तैयार कीजिए। अब बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार जरूर बनाइएगा घर पे। बाहर से अच्छा है, अपने घर पे ही बना के खाइए और खिलाइए बच्चों को, मेहमानों को। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। ताकि आप देख सकते हैं, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको जो है सूती कपड़े में पानी लगा के ढक के रख दीजिए, ताकि ये सूखे नहीं। हमने आलू उबलने के लिए रखा था, आलू को तैयार करते हैं। देखिए, हमारे आलू उबल चुके हैं। अब इसको हाथों के द्वारा फोड़ लेने हैं, क्योंकि इसको हमें कद्दूकस नहीं करना है, इसकी हमें सब्जी बनानी है। ये देखिए, एक कटोरी में थोड़ा मैदा लिया है, इसमें हमको तेल डाल के रेडी करना है। आप बटर भी ले सकते हैं और तेल भी ले सकते हैं। इसको पेटीज में लगा के जो है तैयार किया जाएगा। अब देखिए, हमारा जो है पैटर्न रेडी हो चुका है। चलिए सब्जी बनाने चलते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हमको इसमें लहसुन डालना है। लहसुन के साथ ही जीरा डाल देना है। साथ ही में आलूओं को भी डाल देना है। फ्राई कर लेना है अच्छे से। स्वादानुसार नमक भी लेना है। चाट मसाला भी डाल दीजिएगा, इससे स्वाद अच्छा आता है। खट्टापन लाने के लिए पिसी खटाई डाल दीजिएगा। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर भी डालना है। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, घर पे बनाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा, हेल्दी है। घर पे बनाएंगी, बाहर से अच्छा होता है। तैयार हो चुका है, अब इसमें हमको थोड़ी धनिया भी डाल लेना है। आटा ले लिया है, चलिए शुरू करते हैं। इसकी छोटी छोटी लोई काटनी है।
अब हमें इसमें फिर से पेस्ट लगाना है। अच्छी तरह से लगाइएगा। फिर से लपेटिएगा। इसी तरह से हमको सारी लोइयां तैयार कर लेनी है। अब हमको इसको एक बार और बेलना है। देखिए इस प्रकार से हमको बेल लेना है पेटीज को, फिर किनारे से इसको काट लेना है। फिर हमको कोनों में, चारों कोनों में पानी लगा देना है। अब हमको इसमें फिलिंग करनी है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमको कढ़ाइया लेके उसमें तेल डाल के गरम करके फ्राई करना है। कि आप देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है कढ़ाई का। अब इसमें हमको एक एक पेटीज डालनी है। पेटीज को ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, जब तक एक तरफ पक ना जाए। ऊपर से तेल डालिएगा। एक तरफ पकने के बाद आप ऐसे फ्राई करना है। पेटीज हमारी रेडी हो रही है। गोल्डन होने तक का इसको फ्राई करना है। ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमको इसे निकाल लेना है। देखिए हमारी गर्मा गर्म पेटीज तैयार हो चुकी है। आप इसे खाइए और कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइए। आपका दिन शुभ हो।